सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सोनी टीवी ने हाल ही में लॉन्च किया बेहद 2 और यहाँ नजर आए शो की स्टारकास्ट जेनिफर विंकेट, आशीष चौधरी, शिवन नारंग और आन्या। सभी काफी खुश नजर आए। इस बार माया का ब्लैक अंदाज दिखेगा, इसलिए जेनिफर नजर आई ब्लैक आउटफिट में। आशीष का लुक भी काफी इंटेंस है, तो चलिए जानते हैं इनसे इनके कैरेक्टर्स के बारे में और शो के बारे में। यही कहना चाहूंगी कि बेहद सीजन 1 जो था वो उसकी स्टोरी अलग थी, बेहद सीजन 2 है उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक माया जो कैरेक्टर है, माया मैं कैरेक्टर भी नहीं कहूँगी, जो एक थॉट है माया, जिस तरह से लोग पहचानते हैं माया को, वो माया को उठाकर हमने एक बहुत ही अलग स्टोरी में डाला है। पहले वो सिर्फ रिएक्ट कर रही थी जो उसके साथ हो रहा था, जैसे वो प्यार में गिरी एंड हाउ शी इज़ रिएक्टिंग टू पीपल एंड द सिचुएशन। दिस टाइम उसको पता है कि वो एक एजेंडा लेकर आई है, वो एक प्लान लेकर आई है, और जिन जिन लोगों ने उसको हर्ट किया है या उसको तकलीफ पहुँचाई है वो उनसे बदला लेने आई है। और वो लेकर बेहद इज़ ऑल अबाउट ऑब्सेशन, राइट? ये स्टोरी ही एक ऑब्सेशन की स्टोरी है। अगर हम वो सीजन 1 की भी बात करें तो द स्टोरी वॉज हर ऑब्सेशन विद लव, एंड अभी जो स्टोरी बेहद 2 की जो स्टोरी है इज़ हर ऑब्सेशन विद रिवेंज। सो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये एक फिक्शनल शो है, हम एक कहानी आपको बता रहे हैं, और इस बार जो कहानी है वो है बदले की कहानी। आशीष ने भी बोला बचपन से देखते आ रहे हैं मुझे, डू टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। It just feels good, yeah, that you know, so when your work is appreciated, when people like you, it also, as much as I like it, it also pushes me to get better, because you know I've been working for so long, and you have to keep reinventing yourself, you have to do different things, and you know, and I think I'm very thankful to them for saying such nice things. सबको miss कर रही हूँ मैं, बेहद 1 उनके बिना incomplete था और रहेगा, और इस बार हमारे पास एक बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है, एंड वी मेक सम न्यू मेमोरीज विद देम। जेनिफर माया एक किरदार है जो मैं निभाती हूँ, और जेनिफर मैं हूँ जो लाइफ में हूँ। बहुत डिफरेंस है यार, आई मीन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आप वैसे हो, आप एक एक्टर हो और आपको अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने चाहिए, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम सब की उम्मीद और कोशिश यही है कि हम बेहद 2 को बेहद 1 से और भी बिगर एंड बेटर बनाएं। अब ये तो आप लोग ही बताएंगे जब शो ऑन एयर होगा कि हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। बेहद 2 अब आएगा सोनी टीवी पर मंडे टू फ्राइडे 9 PM, सो यू बी देयर। बेहद 2 आ रहा है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने सबने बेहद 1 देखा है, बेहद 2 के प्रोमोज देखे हैं। बेहद एक बहुत ही डिफरेंट शो है, एक बहुत इंटरटेनिंग शो है, थ्रिलर है, फैमिली है, ड्रामा है, रोमांस है, तो बेहद 2 के साथ आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे भी कुछ कमी हम छोड़ रहे हैं, चाहे वो क्वालिटी की हो या जो हम जिस टाइप से शूट कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। बाकी आई होप कि ऑडियंस को भी सब पसंद आए। देखिए बेहद का एक मैं बात बताऊँ, बेहद कभी भी वुमेन सेंट्रिक शो नहीं था। आपने पहला भी सीज़न देखा होगा, बट आप ये कह सकते हैं अगर वो कैरेक्टर वापस आ रहा है उस शो से तो ऑब्वियसली वो माया का है एंड वो वुमेन है। तो मेरे ख्याल से शो में ऐसा कुछ होता नहीं है कि वुमेन सेंट्रिक है या नहीं है, वो आपके कैरेक्टर्स आपको बनाते हैं और आपका जो स्टोरी है वो आपको बनाती है। अब जैसे मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की बात कर लूँ, तो गेम ऑफ थ्रोन्स पहले कुछ आदमियों का शो शुरू हुआ था, और एंड तक जब हम जाते हैं तब तक एक लड़की जो होती है, जो ड्रैगन क्वीन है, शी इज़ द मेन हीरोइन या शी इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट। तो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी, कि पिछले शो में स्टोरी ऐसी चली, इस शो में देखते हैं स्टोरी कैसी चलेगी, कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी। बट मैं ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ कि कौन सा सेंट्रिक शो है कौन सा सेंट्रिक नहीं है। जब मैंने अपना पहला शो किया था सोरीन गूगल, ऑब्वियसली इट वॉज जो लड़की के नाम पर शो था, लेकिन उसमें जितना प्यार मिला, जितनी आपको एक सराहना मिली, तो वो उसका कंपैरिजन नहीं था। तो आई डोंट थिंक सो ये एक मैटर है कि कौन था कौन नहीं था, इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या कर रहे हैं और आप कितना अच्छा कर रहे हैं। देखिए ऑफ़र तो बहुत चीज़ें होती हैं, अब जैसे मैं बाहर खाने में जाऊँगा तो 1000 चीज़ें पड़ी होंगी, लेकिन 1000 खा नहीं सकता, खानी एक ही पड़ेगी, और जो आपका उस टाइम मन है वही खानी पड़ेगी। तो मेरा मन था बेहद का, तो मैंने बेहद चूज़ किया और बेहद ने मुझे चूज़ किया, एंड आई फील इट्स ऑल डेस्टिनी। आप कभी भी आप नहीं चूज़ करते चीज़ों को, मेरा मानना है कि चीज़ें आपको चूज़ करती हैं। और मुझे एज एन एक्टर ये भी था कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन
जहाँ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वहाँ ज़्यादा दे सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू गेम शो. गेम शो में आते हैं चले जाते हैं याद भी नहीं रहते, बट एज एन एक्टर वो स्टोरी हमेशा रह जाती है आपके साथ. जेनिफर इज़ क्या बताऊँ, उनका तो सबने काम देखा ही हुआ है, बहुत अच्छा ही काम करती हैं. शी इज़ वेरी पैशनेट, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी ट्रू टू हर वर्क एंड शी इज़ वेरी गुड ह्यूमन बींग. मतलब उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. और बाकी आप देखेंगे जब सीज़न देखेंगे. देखिए कंपैरिजन तो हर चीज़ में ही होता है. कंपैरिजन तब भी होता है जब आप लास्ट शो से नया शो करते हैं, और कंपैरिजन इसके बाद भी अगर कुछ सीज़न बनेगा तो शायद उनका हमारे से कंपैरिजन होगा. तो कंपैरिजन तो हमारी आदत है करना. कोई और किसी और ने ड्रेस दूसरी अच्छी पहन ली है तो उनसे भी कंपैरिजन तो हमारा हो ही जाता है, तो ये तो बहुत नेचुरल है. बट इट डजंट मैटर, जब स्टोरी अलग है हर चीज़ अलग है तो कंपैरिजन किस बात का. इंडिया फोरम्स को ये कहना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बेहद के भी व्यूअर्स हैं, तो इंडिया फोरम्स के थ्रू मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सब 2 दिसंबर से रात को 9 बजे सोनी पे बेहद देखिए और उसको प्रमोट कीजिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू लिव द रोल ऑफ मृत्युंजय रॉय. यू नो टू बी ऑनेस्ट, दे ऑल माई बिजनेस मैनेजर एंड जेनिफर्स बिजनेस मैनेजर इज द सेम, एंड आई न्यू द शो थ्रू हिम एंड जेनिफर. And then he mentioned that they would obviously, but I would be too young for the role. And I said, me young? Ho gaya 40 ka yaar. So he said, no, but you know, you will not suit it. So I was like, why? So aise kuch baat shuru hui thi. And ye buzz ho gaya ki Ashish ne pucha hai. And when they called me to narrate me, I said, I want to hear it. It took me exactly 1 minute after Prateek, who's a wonderful producer, because he's creatively involved himself. He involves himself with the entire narration speed. And he asked me, Ashish, will you do it? I said, give me 1 minute, and I meant 1 minute. In 60 seconds, I just looked up, I turned down, and I said, yes, I'm doing this. So that's how sure I was, because all I thought about was positives, that there's only plus points in doing this. A, I like get-ups. B, I feel that I want to get beyond what I did in Dev and do a character which will be remembered. See, I prefer doing characters. People have asked me 10 times, you know, it's Jennifer's show. I said, yes, it is. I'm here for her. I'm totally there for Jennifer. I want her, this show to do well for her. I want her to do a third season. I will not be there. But I'm here to do a character which will take me beyond Dev, which will be remembered. And a get-up always helps. It always, you know, sharply puts you into character. And if you do it right, which I've had to work on, it just brings you that completion. And then if you perform it well, you're done. You know, I didn't feel pressure when I was doing Dev 2, which was my show. Because to be honest, we all give our best, but there are a lot of elements involved in a show. It depends on what the creative is, where the story is going, what the channel wants. In Dev 2, they have changed the format from a weekly to a daily. I can't do anything about it. So, and you know, the audience is the final decision maker. We all have to give our best. I know Dev is remembered as a character. I put quirks in him. I worked on him. When I work on a character, I want to find out where the character was born. What did the parents do? What is he doing to earn his money? How he met his wife or girlfriend and how he fell in love and all the details. That's how I work on my characters. That's the maximum I can do. And then audience saying he's done a decent job. If I get that reaction, I'm fine. Then whether the show works or doesn't work, I can't help that. But as long as I don't misperform and get disliked and don't get more work, then it's a problem. So here it's very clear, it's Jennifer's show. And I will obviously, for me it's more difficult because already the show is known for its impactful performances. I take it as a benefit, I take it as a plus, because I'm already joining a show which has got eyeballs. It's a boat which is already looking good and strong and successful. I'm hopping onto it. You know, also when I got finished with getting the narration, when I told them yes, I'm doing it, the first question was, will the channel accept you in this role, because you know you're younger and how will you look that old? And I said, come home. So when the team came home, I was ready with the look. I went to a salon, I tried to color my hair, but coloring has a lot of disadvantages because it fades, it starts getting yellow, and then you have to keep toning it every 4 days. Then I found a product. I spoke to a friend of mine in the film industry who gave me tips. So I did a lot of research, homework, got it. And I eventually, with the help of Hakim Alim, I got a look and I sat at home ready with the look when they came home. And when they came home, their reactions was enjoyable. Till now, what you see on Insta, what I've put up, are looks just from my house. When we shot on that first day, it was a little zyada white. But we just put it all. And when they came in, the call started, went to channel, and that's where they decided, yes, they want this. So I take about 1 hour to get ready in this, but
it's enjoyable because the 10 hours of shooting after that is highly impactful. So when I get into this look, I start walking, talking, breathing Mrityunjay Roy. I think Manoj Vajpayee just did Family Man, and I've seen him play a sarpanch or a gaon ka guy. You know, it really doesn't matter. He's playing an urban, younger, you know, younger kid's father than what he's played before also. So it's what you get. And Sanjeev Kumar in Shole was Thakur, who was as old as Amitabh Bachchan. It doesn't matter. And he did roles after that where he was younger. So you have to do... If I play this role when I'm 60, which is Mrityunjay's age, it's, there's nothing impactful. Like, achha, ye role Ashish ko mil gaya. But now there's something where I feel down the line, my kids, grandkids, or whoever sees me back or sees my portfolio or my biography or filmography, they will know that Ashish at this age did this and how cool was that. So it's about jumping in and doing that. If you're a true actor, you would should be passing off playing that age, even if it's like a double role. What if I'm playing son and father tomorrow? Lastly, you have crazy fan following India Forums. Tell us, like, a message to your fans. As soon as I saw India Forums, I said hi to you in a very sweet way, because you guys have been very kind. The fans I've seen interact with you guys. I'm so, you know, filled up with emotion for the fans, because TV's given me so much love. I tell a lot of film friends of mine, I have a lot of friends from the film industry, about how much love I get on TV. I've stayed here because I'm enjoying it, mostly because of what love I get from the fans, from my family on Twitter. I would have never been on Twitter if it wasn't for them. And they just accept me, that's a big deal, but more than accept me, they pamper me. So I need them to keep loving me the same, because if they are not there, I'm going to be half the actor I am. I'm not that desirable that I've been stalked before, but I've had some people in my life who've been slightly, delusional about how they could have, any kind of association with me. But I've always taken them into my wings, and I always feel that people like that should be treated with love more than anger or hatred. And obsession is an illness, and it can be treated, and so can every other illness. So I can handle it. No, I don't think. No, this show will not be dealing with any mental health issues. Yeah. Hi, this is Shivan Narang, and you're watching India Forums. Thank you. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर हाँ तो सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को. रंजनी नायर, कैमरा पर्सन मंगेश, इंडिया फोरम्स हिंदी, मुंबई.